Trippy headlights and 50 megapixels. Epic performance. Got epic deals. Oh, selfie. Funny. Jab mile latest smartphones lowest prices par, to sab karenge buy or use jaise man chahe. Big billion days. Naam hi kafi hai. मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराज मेरो मन लग्यो बरसाने में,
विश्वभानु दुलारी। तो मुख्य बात जो समझानी है वो यही है, क्या कि भैया गोपी भाव तब बने जब ऐसी स्थिति हो जाए। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहां विराजे राधा। हमारे महाराज जी एक बात और कहते हैं, पूज्य महाराज जी के पास कभी बैठो तो एक पंक्ति और गाते हैं, मेरो मन लगो बरसाने में, जहां बहे खरा पानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहां बहे खारा पानी। सीधी बात, यहां पर सुखदेव जी अब ये प्रमाणित कर रहे हैं, परीक्षित जी प्रमाणित कर रहे हैं कि वो गोपी भाव में युक्त हो चुके हैं, अब उनकी सर्वांगीण इंद्रिय केवल कृष्ण भजना चाहते। अब आपके लिए प्रश्न है कि महाराज जी हम कैसे ऐसे बने, हमारे मन में ये भाव कैसे आवे। भैया वृंदावन में प्रेम प्रदायक, प्रेम प्रदाता हमारी श्री किशोरी जी हैं, पर किशोरी जी की आप सीधी आराधना नहीं कर सकते। ठीक है कई भाव बताए जा रहे हैं, कई भाव कहे जाते हैं संत महापुरुषों के द्वारा, पर अंतरंग निकुंज की बात यदि पूछो तो सबसे पहले तो भैया यहाँ के जो हम बात बताते हैं, ब्रज में प्रवेश करती सबसे पहले रज को प्रणाम, दूसरी बात यहाँ के वृक्षों को प्रणाम, तीसरी बात ब्रजवासियों को प्रणाम, चौथी बात श्री यमुना जी को प्रणाम, और पांचवे हमारे वृंदावन के पंचायतन श्री गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। कम से कम इन पांच दिनों तक जो ये लीला श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो सब तो इसका पालन करें। सुबह उठते स्नान ध्यान करते सबसे पहले भूमि को प्रणाम करो, ब्रज को प्रणाम कर आओ, उसके बाद वृक्ष, किसी भी वृक्ष को, जो वृक्ष आपको दिख रहा अनुकूल उसको हृदय से लगा करके उसको प्रणाम कर लो। तीसरी बात किसी ब्रजवासी को, जो ब्रजवासी दिख जाए सबको वंदन कर लो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। हमारी क्या, हमारे हम परिचित ब्रजवासी मिले उसी को जय जय करते हैं, राम राम करते हैं। अरे जो मिल जाए हमारा, ठाकुर जी की लीला भी आगे सुनाई देगी। ठाकुर जी कैसे हैं, नंद भवन से निकल जाते हैं सुबह सुबह तैयार है कि हमारा टिप टॉप बन के ये बढ़िया घुंघराले केशन को बांध करके, और मार्ग में जो मिल जाए वही से कहें भाभी जी मैया बुला रही आपको तो घर पे, कोई परिचय नहीं है, जान पहचान ही नहीं है। गोपी कोई मिल जाए बोले मैया बुला रही, बाट देख रही, सवेरे तो आपकी इंतजार में है, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ। संत महात्मा महापुरुष कोई भी वेदज्ञ ब्राह्मण आदि दिख जाए उनके पास जावे, अरे आप यहां डोल रहे हो, ठाकुर जी का स्वभाव। और नंद बाबा सवेरे तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वो सामने वाले संत महापुरुष सोचे नंद बाबा हमको जानते हैं, ठाकुर जी अरे आपको जाने ना है, खूब बढ़िया थे जाने, मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, जल्दी जाओ घर पहुंच जाओ, वहां पे बाट नहीं आ रहे हैं बेचारे, बाबा हमारे सवेरे तो भूखे बैठे हैं, आप पाओगे आपके बाद पाएंगे, जल्दी पहुंच जाओ। ठाकुर जी सबको भेज दें घर। संग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य, बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी के, सबको वंदन करते सबको प्रणाम करते हैं। एक प्रकार से जिस ब्रज में ठाकुर जी जैसे रहे ब्रज में वैसे ही रहना चाहिए, ठाकुर जी जैसे रहे। सबसे पहली बात ठाकुर जी ने पादुका नहीं पहनी वृंदावन में, आज भी बिहारी जी को देखो राधा रमन जी को देखो आपको पादुका दिखती है, नहीं दिखेगी। राधा वल्लभ जी को पादुका दिखती है, शीतकाल में मोजा जरूर पहना देते हैं लेकिन ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, निरावृत चरणों से ही घूमते हैं वृंदावन में,
कम से कम ये नियम बनाओ, जिनका अखंड ब्रजवास हो गया उनके लिए ये बात नहीं, पर जो दो चार दिन के लिए वृंदावन आते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, पादुका पहनो ही मत, वृंदावन में ही मत, पूरा वृंदावन मंदिर है, मत पहनो। और अगर ऐसा कुछ है रोग ग्रस्त हो, ये वो उन सब के लिए तो है ही नहीं, जो परिपूर्ण रूप से फिट हैं, वृंदावन में पादुका मत पहनो। हमारे श्री जी महाराज, आप जब भी वृंदावन आते थे, वृंदावन ब्रज भूमि की सीमा जैसे ही प्रारंभ होती, पादुका गाड़ी में ही उतार देते, और वृंदावन में आते सबसे पहले गाड़ी खोल के प्रणाम करते, फिर बिना पादुका के रहते जितने दिन वृंदावन में रहते। उनके मन में ऐसी भावना थी। ऐसा कोई वाद्य नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नियम धारण करना ही है, पर उनकी भावना ऐसी थी कि भैया जा भूमि पे, हमारे नंद नंदन निरावृत चरणों से बैठे हैं, हम वहां पादुका क्यों पहने। और भैया आपका ही फायदा है, गाड़ी में ही रहेगी पादुका तो चोरी भी नहीं होंगे, खोएंगे भी नहीं, मन में ये गलानी भी नहीं होगी बताओ पादुका खो गई हमारी, अनावृत चरणों से रहो। अरे भैया केवल परिक्रमा मार्ग में ही नंगे पांव से क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध मार्ग है, वो पवित्र मार्ग है, वो परिक्रमा मार्ग है, पूरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग है, पूरे वृंदावन में निरावृत चरणों से रहो। जरूरी नहीं है केवल ये जो परिक्रमा है हमारे वृंदावन की, यही करवे से वृंदावन परिक्रमा, आप वृंदावन में कहीं भी डोल रहे हो, छठी किरा से लेकर के कहीं जमुना जी तक कहीं भी जा रहे हो, सबरी परिक्रमा है, सब जगह एक जैसी रहो, एक ही भाव में रहो। तो पंचायतन को प्रणाम करो, और सबसे विशेष वृंदावन की अधिष्ठात्री स्वामिनी जी हैं, किशोरी जी हैं, वे प्रेम प्रदायन करती हैं। ललिता विशाखा सहित किशोरी जी का नित्य स्मरण करो, नित्य प्रणाम करो, नित्य वंदन करो, और वृंदावन के इन पंच भावों को प्रणाम करो। इन सबके भाव से मन में गोपी भाव उत्पन्न होगा, इंद्रियों में कृष्ण मिलन की एक प्रकार से कह दें तो कैसी उपासना, जैसे भूखे व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को पानी की लालसा रहती है, ऐसी लालसा ठाकुर जी के लिए, दर्शन की ऐसी लालसा ठाकुर जी के लिए जब होती है, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। परीक्षित ने जब अपनी स्थिति बताई कि भगवान अब मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, अब मेरी सर्वांगीण इंद्रिय केवल कृष्ण भजना चाहती हैं, उन्हीं को सुनना चाहती हैं, मैं उन्हीं के भाव में भावावेश में भाव निमग्न होना चाहता हूं, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नैषाति दुस्सह छुन्मान् तत्योदमपि वाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतं पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतं। परीक्षित जी कहते हैं भगवान आपके मुख से जो श्रीमद् भागवत की कथा, जो ये रस के बिंदु टपक रहे हैं ना, इन रस बिंदुओं से ही ना जाने अमृत तुल्य कार्य हो रहा है, मेरी समस्त इंद्रियां शांत होती जा रही हैं, मेरी समस्त इंद्रियों को ठौर मिलती जा रही है, अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बस अब भटकाव नहीं है, अब और कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके आप केवल कृष्ण लीला में मुझे प्रवेश कराओ। तब सुखदेव जी कहते हैं सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेवैक निलय वासुदेवैक कथायांते यज्जाता नैष्ठिकीरते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो व्यवस्थित हो चुकी है, नियम जानने की अभिलाषा, क्रम जानने की अभिलाषा, जप जानने की अभिलाषा, यज्ञ करने की अभिलाषा, अन्य अन्य अभिलाषाएं चित्त में प्रकट हो रही हैं, तो समझो कि अभी भी बुद्धि व्यवस्थित नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही कृष्ण श्रवण करने की, लीला श्रवण करने की स्थिति प्रकट, और कुछ नहीं, बस लीला सुननी है, भाव सुनना है, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि।
अन्य अन्य साधन करने की अभी अभिलाषा मन में प्रकट हो रही है, तो इस वक्त अभी भी मन में भटकाव है, बुद्धि में स्थिरता अस्थिरता नहीं है, अस्थिर है बुद्धि। लेकिन जैसे ही मन में आ जाए बस और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको ठाकुर जी की लीला श्रवण करा दो, ठाकुर जी कथा श्रवण करनी है, उनका भाव श्रवण करना है, जैसे ये भावना चित्त में प्रविष्ट हो जाए बस समझ जाओ अब ठाकुर जी चित्त में आ गए, आपकी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है। या फिर ऐसा कहो आपकी बुद्धि को आपके मनस्त को ठाकुर जी जब स्वीकार कर लेते हैं तब आपके सब जगह से भटकाव खत्म हो जाते हैं, सारी क्रिया सारे कर्म सारे क्रियाकलापों से मन हट करके केवल और केवल ठाकुर जी को श्रवण करने का ही रहता है। स्वामी श्री हरदास जी का एक भाव याद आया, जब वृंदावन में कुंज बिहारी लाल प्रकट हुए, वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए तो प्रकट होकर के जब ठाकुर जी को कुंज में विराजमान किया सघन कुंज में, पंचामृत अभिषेक होने लगा बिहारी जी का, सब लोग जय जयकार करने लगे, बधाई गायन करने लगे, इतने में ही कुछ ब्राह्मण पंडा जन आ गए और आकर के स्वामी जी थे, हे बाबा ठाकुर जी तेने उठाते ही बैठा दिए, अभिषेक कर दिए और प्राण प्रतिष्ठा तो करा ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो करवा। तो स्वामी जी महाराज बोले, भैया प्राण प्रतिष्ठा उनकी होती जिनमें प्राण नहीं हो, हमारे बिहारी जी में तो प्राण है। बोले ऐसे कैसे बाबा, तू जो बोल देगा सोई थोड़ी बात चले, हमारी ब्रजवासी इनकी तो, अच्छा ब्रजवासी बोलते ही ऐसे हैं, जो ब्रजवासी ऐसे नहीं बोला आपसे, समझो आप में कोई कमी थी इसलिए आपसे ऐसे बात नहीं करी उसने। स्वामी जी से ही ऐसे बात करने लगे, बोले कि अरे बाबा तेने कोई की मानी नहीं ऐसी बैठा दी है तेने बिहारी जी, ले अभी जन्माष्टमी चल रही है ना, ठाकुर जी रो रहे हैं। नेक देर मैया घुमा लाओ बाहर लाला को, थोड़ा श्रम करो। क्या बता रहे थे, वहां बिहारी जी ऐसे बैठा दिए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तुरंत एक रुई का फुआ लिया, बिहारी जी की नासिका के आगे किया तो महाराज बिहारी जी की श्वास से फुआ उड़ गया, सब ब्राह्मण देख करके चकित हो गए। दोबारा एक फुआ रखा, बिहारी जी के मुख के आगे किया, फिर फुआ उड़ गया। स्वामी जी ने बताई, देखिए श्वास चल रही है बिहारी जी की, तुम कह रहे हो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो। वृंदावन में तो भैया सारे रीति रिवाज लोक लाज और ये जितने भी वैदिक क्रियाएं सबको बहुत बहुत प्रणाम है, पर वृंदावन की रसलीला में जब प्रविष्ट हो जाते हैं ना तो वहां पर केवल एक ही वैदिक क्रिया है, वहां एक ही नियम है, वहां एक ही शास्त्र है, क्या प्रेम, केवल प्रेम। बाकी सब भावों को प्रणाम मात्र कर देते हैं आचार्यगण, और वह सब स्थितियां जब आपकी समाप्त हो जाती हैं चित्त में तभी आप गोपी भाव में परिणत होते हैं, और गोपी भाव परिणत होते ही आपको ब्रजलीला में प्रवेश मिलता है, आपकी बुद्धि व्यवस्थित होती है। राजन अब तक तुम मुक्ति की बात भी कर रहे थे, अब तक तुम पाप और पुण्य के बारे में भी जानना चाह रहे थे, अब तक तुम अन्य कई साधनों के विषय पूछ रहे थे, पर अब तुम्हारे चित्त में केवल एक ही अभिलाषा है, क्या, कि मुझे कृष्ण लीला सुननी है, विस्तार से सुननी है। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई, तुम्हें ना मुक्ति की चिंता है, तुम्हें ना भुक्ति की चिंता है, तुम्हें ना नियमों की चिंता है, ना क्रमों की चिंता है, अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा। चार गुण होते हैं हमारे अंदर, सत्व रज तम और सात्विक, सत्व रज तम और निर्गुण, चार गुण होते हैं। इन चार गुणों के विषय में भगवान ने श्रीमद् भागवत में कपिल द्विवेदी संवाद में बताया, जब तक तीन गुण समाप्त नहीं होंगे, चतुर्थ गुण प्रारंभ नहीं होगा तब तक हम निर्गुण नहीं बन सकते, और जब तक निर्गुण नहीं बनेंगे तब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आएगा, जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आए तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिलता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्रीमद् भागवत में मैया देवभूति को उदाहरण देते हुए बताते हैं, बोले मैया चार प्रकार के भक्त हैं मेरे, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला तामस, अभिसंधाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा सा संरम्भी बिन्दग भावम्
मई गुरयाक सतामस। बहुत ध्यान से सुनना, गोपी भाव चित्त में तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक तीन गुण रहित नहीं हो, रहित मतलब तीन गुण समाप्त नहीं होंगे। ये त्रिगुण समाप्त होंगे तब आप निर्गुण ही बनोगे, और निर्गुण ही बनते ही गोपी भाव चित्त में आ जाएगा। सबसे पहला तामस। तामस किसको कहते हैं? भगवान कपिल कह रहे हैं, बोले जो मेरी आराधना किसी अन्य के दुराग्रह की भावना से करता है वो तामसी भक्त कहलाता है। मतलब आप आराधना भगवान की इसलिए कर रहे हो कि किसी का बुरा हो, ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? तामसी। आप नाम जप इसलिए कर रहे हो, अनुष्ठान इसलिए कर रहे हो, हिमालय की यात्राएं, देव देवी देवताओं को प्रणाम इसलिए कर रहे हो कि हमारे पड़ोसी के बालक ज्यादा बढ़िया हो गए, हमारे भी बढ़िया हो जाएं। मन में ये भावना तो है कि हमारे बढ़िया हो, पर ये भी तो भावना है कि उसके ज्यादा बढ़िया, उससे बढ़िया हो, तो ये तामसी भाव है। इस भावना से की जाने वाली भक्ति तामस गुण को कहलाती है। आपने देखा किसी को कि भाई कोई रोज बिहारी जी जाता है और बिहारी जी नित्य जाने वाले के ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो गई कि महाराज उसके अब धन धान्य खूब होने लगा। अब उसके धन धान्य को देख करके आपके मन में भावना आई कि बिहारी जी की कृपा आ गई है, आप हम भी जाएंगे। ये तामस भक्त का लक्षण है, मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। बोले मैया तामसी भक्त मेरे सामने आ जाता है तो मैं जितना हो सकता उतनी नजर छुपाता हूं उससे। लेकिन भगवान कहते हैं नित्य आता है, रोज आएगा, तो फिर मैं उसको दे दा करके छुट्टी करता हूं, ले तू मेरा पीछा छोड़ ले, कर अपने काम जो तुझे करने, पर ये मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन एक बात सुनिएगा, कई लोगों के मन में ये बात ना, ये भावना आ सकती है कि पीछे पड़े रहेंगे तो बिहारी जी काम तो बनवा ही देंगे ना, फिर भले ही बिहारी जी हमें ना पूछे, हमको क्या। इस प्रकार की साधना करके कोई कहे 21 दिन ये कर लो, 15 दिन ये कर लो, ये कर लो, ये काम बन जाए, काम तो बन जाएगा, वो काम बनेगा कैसे? भगवान पीछा छुड़ाएंगे आपको काम पूरा करवा के, ले भग यहां से, ले जा अपनी दो तो चाहिए। लेकिन उस क्रिया से क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, कुछ दिन बाद दुखी जरूर हो जाओगे। केवल बिहारी जी इसलिए गए कि हमारे घर में एक संतान हो जाए, एक पुत्र आ जाए, और उसके लिए लगे महाराज बिहारी जी नित्य जा रहे हैं, हर शनिवार आ जाते हैं बिहारी जी पर, ये बिहारी जी वो बंगला बनवा दिया, ये करवा दो। कामना बिहारी जी नहीं है, कामना कोई और है, वस्तु तो मिल जाएगी पर क्षमा करना, हम कान पकड़ के क्षमा मांगे अगर किसी ने पहले ऐसा किया हो, वो कहे यार हम तो किए थे। उस वस्तु से आप सुखी नहीं रह पाओगे, भले ही मिली ठाकुर जी से। आजकल इसका प्रचलन बहुत चल गया है, इतना ये कर लो, इतनी संख्या के ये पाठ कर लो, इतने ये कर लो, यहाँ पे धागा बांध दो, यहाँ पे जे कर आओ वो कर आओ, मनोकामना पूरी हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण हनुमान जी, मनोकामना पूर्ण मैया जी, मनोकामना पूर्ण शंकर भगवान, यहाँ पे ये कर दो, नारियल पानी चढ़ा दो, ये हो जाएगा, बिल्व पत्र चढ़ा दो, उस पर काली मिर्च डाल दो, मनोकामना पूरी तो हो जाएगी पर उससे प्रसन्न नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी भक्ति तामसी हो गई है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो तामस भक्त का अच्छा यो मत कहना कि महाराज जी खंडन कर रहे हैं, महाराज जी ने ऐसी ऐसी कही नहीं, सब जगह जाओ। मैं खुद भी जिन जिन नगरों में कथा करने जाता हूं वहां के जितने देवालय में मैं भी खुद प्रणाम करने जाता हूं, पर कामना से नहीं। हनुमान जी का मंदिर है तो देख जाए, ए पवन पुत्र हनुमान कैसे हो, ठीक हो, भोजन पानी बढ़िया चल रहा है, सब सेवक अर्चक बढ़िया प्रेम से आते हैं, बढ़िया भोग लगा रहे हैं, आप भी कृपा करो, आपकी भक्ति के एक बिंदु हम पर पड़ जाए तो आप जैसे भजन हमारे भीतर भी आ जाए, ये कामना जरूर रहती है, कोई सांसारिक कामना नहीं। तो तामसी भक्त का लक्षण क्या है? वो दूसरे से पैज करके कि उसने ऐसा किया तो उसको ये मिला, अब मैं भी करूं तो मुझे भी प्राप्त होगा, इस भाव से जो भजन करता है वो तामसी भक्त कहलाता है। भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं। दूसरा भक्त कौन है? विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेद्यो मां पृथग् भावस राजस।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरे भक्त का नाम क्या है? राजस भक्त। पहला कौन था? तामस, दूसरा राजस। तो कथा सुन करके ये तीन गुण हमको नष्ट करने ये विषय चल रहा है। सबसे पहले तामस विषय नष्ट करना है, कोई कामना नहीं ठाकुर जी की। एक विषय नष्ट हो गया, दो विषय हो रहे हैं। दूसरा आएगा राजस। राजस का मतलब क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा। यश ऐश्वर्य कीर्ति और संसारी विषय, ठाकुर जी कोई एक काम दे देते हैं हम लोग जा करके, और काम नहीं देते, सौदा करते हैं ठाकुर जी के साथ। कैसा सौदा? हमारा जो काम आपने कर दिया तो हम आपके लिए ये कर देंगे, आप हमारा ये काम करवा दोगे तो हम आपको इस चीज का भोग। ठाकुर जी को लोभ दे रहे हो आप? ठाकुर जी अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं दूध की वो क्या, कौन सी परिक्रमा लगती है? दूध की परिक्रमा लगाऊंगा बिहारी जी, वो गोवर्धन नाथ जी की। मुझे एक बात बताओ, आप दूध की परिक्रमा नहीं लगाओगे गिरिराज जी भूखे बैठ जाएंगे, उनका पेट नहीं भरेगा? या उनको इतनी अभिलाषा, नहीं 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 ये दूध लेके आओ। दूध भी पता पानी वाला लेके जाते हो आप, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूध तो केवल नाम का सफेद होता है। आप हमारा ये काम करवा दो तो हम दूध की परिक्रमा लगाएंगे, गिरिराज जी कहेंगे हम भाई यशोदा मैया ने दूध पिवायो ही ना मुए, वैकुंठ में दूध की बहुत कमी है, तेरी गैया कोई दूध पीनो मुए। हम फिर कह रहे हैं हम खंडन नहीं कर रहे, खूब लगाओ ऐसी परिक्रमा, लेकिन ठाकुर जी को लोभ दे करके मत लगाओ। कई बार पूछो किसी को दंडौती लगा रहे, और भैया दंडौती, हाँ भैया एक कामना हमने करी थी और वो कामना पूरी हो गई है तो अब दंडौती लगा रहे हैं। आपके लेट लेट करके परिक्रमा लगाने से ठाकुर जी को सुख मिलता है? नहीं। क्यों ऐसे ठाकुर जी को हम लोभ में दे देते हैं? हे बिहारी जी हमारा ये काम करवा तो हम आपको पोशाक चढ़ाएंगे। बोले हाँ नहीं तू नहीं चढ़ाएगा तो मैं तो निर्वस्त्र रहूंगा, मुंह पे तो कपड़ा है ही ना है। क्यों ठाकुर जी को लोभ देते हो? ये तो स्कूल में हम करते थे, तू मेरा होमवर्क कर दे मैं तुझे ये खिला दूंगा, तू मेरा ये काम कर दे मैं तुझे कर दूंगा, सुन कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा, तू मेरी मैडम से यूं कह दियो परसों में तेरी कह दूंगा। ऐसे तो स्कूल में होता है, भगवान से करने वाले विषय थोड़े ही है। और इस प्रकार जो ठाकुर जी से करता है उसको कैसा भक्त कहा गया? राजस। ठाकुर जी को ही लोभ दे देते हैं। वाह, तो कथा सुनकर के इस राजस भाव को भी नष्ट करना है। हाँ इसको थोड़ा सुंदर बना सकते हो। जैसे सुंदर कैसे बनाओ? बोले ठाकुर जी हे बिहारी जी जब तक मेरे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति आप उत्पन्न नहीं करोगे तब तक मैं फलाहारी रहूंगा। आप मेरे चित्त में पहले प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करो, मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहें, कान आपकी कथा के लिए व्याकुल रहें, चित्त सदैव ये रहे कि बस आप मिल जाओ, आप हृदय से लग जाओ, आप दिख जाओ। ऐसी स्थिति मेरी जब तक नहीं बनेगी मैं फलाहार ग्रहण करूंगा, मैं अन्न खाऊंगा ही नहीं। ऐसा जरूर कह सकते हो आप ठाकुर जी से, क्योंकि बदले में आप ठाकुर जी को लोभ तो दिए, लेकिन बदले में आप ठाकुर जी को लोभ किस चीज का दिए हो? उनके प्रेम का। प्रेम के लोभी हैं ठाकुर जी। आप उनको अन्न का लोभ दो, दूध का लोभ दो, सोना चांदी का लोभ दो, वस्त्र का लोभ दो, इसका लोभ दो, बंगला का लोभ दो, ये सब लोभ ठाकुर जी को नहीं चाहिए। ठाकुर जी को ऐसा कह दो हे नाथ मेरे चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट कर दो, इतना भाव प्रकट कर दो मुझे किसी में दोष ही नहीं दिखे। आपने यदि ऐसा कर दिया तो फिर मैं जाऊंगा सुदामा कुटी में जाकर के जितने संत सबका झरा भंडारा करूंगा। ठाकुर जी को ऐसे लोभ दो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो। लेकिन जैसे ही आप सांसारिक संपदा के लोभ ठाकुर जी को देते हैं आप राजस भक्त होते हैं, और भगवान कहते हैं मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं राजस। गोपियां भी देती हैं लोभ ठाकुर जी को, मक्खन का भुजा में मक्खन लेकर के बाहर निकाल के कर देती हैं। ठाकुर जी जैसे देखते हैं राह जाते हुए ठाकुर जी की नजर पड़े, जैसे मक्खन देखें सोई गोपी के लाला इतकुआ यहाँ पे आ, सो ठाकुर जी चले जाएं। ठाकुर जी तो जीभ से अपने होठ चाट रहे हैं, मक्खन को देखते जा रहे हैं, तभी गोपी कहती हैं लाला मक्खन खाए को? बोले हाँ खाऊंगा। और फिर मनमानी जो उनकी इच्छा होती करवाती है। भीष्म पितामह कहते हैं भागवत में
ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतम अनुकृत वत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व कृतम अनुकृत वत्य उन्मदांध। बहुत ध्यान से सुनना। विष्णु पितामह कहते हैं, बोले यहां बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी आपको अपने वश में नहीं कर पाए, और वो ब्रज की गोपियां नेक्से से माखन का लोभ दे देती हैं, और आप उस माखन के लोभ में जो वो कहती हैं सो कर देते हो। ये सब लोभ ठाकुर जी को नहीं चाहिए। ठाकुर जी को ऐसा कह दो, हे नाथ मेरे चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट कर दो, इतना भाव प्रकट कर दो, मुझे किसी में दोष ही नहीं दिखे। आपने यदि ऐसा कर दिया तो फिर मैं जाऊंगा सुदामा कुटी में जाकर के जितने संत सबका झरा भंडारा करूंगा। ठाकुर जी को ऐसे लोभ दो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो। लेकिन जैसे ही आप सांसारिक संपदा के लोभ ठाकुर जी को देते हैं, आप राजस भक्त होते हैं, और भगवान कहते हैं मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं राजस। गोपियां भी देती हैं लोभ ठाकुर जी को मक्खन का, भुजा में मक्खन लेकर के बाहर निकाल के कर देती हैं। ठाकुर जी जैसे देखते हैं, राह जाते हुए ठाकुर जी की नजर पड़े, जैसे मक्खन देखें सोई गोपी के लाला इतकुआ यहाँ पे आ, सोई ठाकुर जी चले जाएं। ठाकुर जी तो जीभ से अपने होठ चाट रहे हैं, मक्खन को देखते जा रहे हैं। तभी गोपी कहती हैं, लाला मक्खन खाए को? बोले हाँ खाऊंगो। और फिर मनमानी जो इनकी इच्छा होती है करवाती है। भीष्म पितामह कहते हैं भागवत में, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतम अनुकृत वत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व कृतम अनुकृत वत्य उन्मदांध। बहुत ध्यान से सुनना। विष्णु पितामह कहते हैं, बोले यहां बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी आपको अपने वश में नहीं कर पाए, और वो ब्रज की गोपियां नेक्से से माखन का लोभ दे देती हैं, और आप उस माखन के लोभ में जो वो कहती हैं सो कर देते हो। ठाकुर जी की कामर खो गई तो सूरदास जी का एक पद है, कामर कौन लई हो सुमैया मोरी, एक कहो तेरी कारी कामर, सुर भी खाए गई हो सुमैया मोरी। बहुत अच्छा पद है सूरदास जी का। तो ठाकुर जी कामर खोया है अपनी, खो के नहीं आए, एक गोपी ने चुरा ली। ठाकुर जी ढूंढने लगे मेरी कामर कहाँ गई, तो एक ग्वाला बोला, बोले लाला मोहे तो लगे तेरी कामर सुर भी खा गई थी, गैया खा गई है। दूसरा ग्वारा कहा, बोलो, एक कहो तेरी कारी कामर, खिरक में भाज गई हूँ सुमैया मोरी। मैया एक ग्वाला मोते यूं कह रो कि मेरी कामर जो है, वो तो खिरक खिरक बोलते हैं, जैसे सघन कुंज है गैया जहां विराजे वो खिरक है, खिरक में भाज गई। मैया बोली, हम भाई तेरी कामर के पाँव में भाज गई, जो दारी के खोया आया हो झूठ बोल रहा है। अरे मैया मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा, एक कहो तेरी कारी कामर, यमुना में जाए भई हो सुमैया मोरी। मैया एक नमोसो कही कि मेरी कारी कामर जमुना जी में बह गई। मैया बोली, सही सही बता कहा भयो। बोले मैया ये तो अभी बता रहा हूं मैं, एक ग्वाला नहीं हो कही, एक ग्वाला नहीं हो कही, एक ग्वाला नहीं हो कही, इतने में ही एक गोपी खड़ी और मेरी कारी कामर दूर से मुंह को दिखावे। मैं दौड़ करके वाक के पास गया, अरे गोपी मेरी कारी कामर दे। सो गोपी काके, गोपी कहे नाच मेरे आगे। गोपी कह रही है पहले मेरे आगे नाच। मैया मेरे इतने आंसू निकले, मैं रोतो रोतो नाच के लाया, फिर वाने मेरी कामर नहीं दई। मैया मेरी कामर धल ली अपने पास। सूरदास जी भाव बताते हैं। अब बताओ, गोपी ठाकुर जी कामर ले जाती है, फिर ठाकुर जी के लाला ले गो? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा।
सो ठाकुर जी बोले मैं रो तो नाचो मैया। सूरदास प्रभु यशोदा के आगे असुवन धार बही हूं। खूब रोए लाल जी, मैया ऐसे ऐसे गोपी सब परेशान करे मुकू, मेरी कामल ले जा मैं फिर के नाच के दिखा, मेरी बंसी ले जा मैं फिर के नाच के दिखा, मेरा मोर पिछ ले जाए फिर के नाच के दिखा। क्यों? ये गोपियां ठाकुर जी को कोई सांसारिक लोभ नहीं देती हैं, ये ऐसा लोभ देती हैं जिससे प्रेम भरता है, इसलिए ठाकुर जी उनकी बात मानते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं आपको पकड़ने के लिए सिद्ध होना जरूरी नहीं, आपको पकड़ने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं, आपको पकड़ने के लिए तो ब्रज की गोपी होना जरूरी है, ब्रज की प्रेयसी होना जरूरी है। बोले आप कोई के बस में आवे वारे नहीं हो ठाकुर जी, ये तो पता चल गई हमें। अरे कहां तक कहे महाराज, ठाकुर जी का प्रिय मित्र पूरी दुनिया को तो ये पता है कि अर्जुन है, पर हम ब्रजवासी ने पता है ठाकुर जी को प्रिय मित्र उद्धव है, और वो उद्धव भी क्यों है, क्योंकि गोपियों का शिष्य उद्धव, वह उद्धव के प्रति भी ठाकुर जी का सॉफ्ट कॉर्नर है ज्यादा ही है। उद्धव भी यदुवंशी है कि नहीं? संपूर्ण यदुवंशियों को श्राप लगा, सब लड़ झगड़ करके मर गए, पर उद्धव नहीं। उद्धव कहां है? बद्रीनाथ। भगवान ने अपने पादुका लेकर के भेजा तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव कैसे बच गया? क्योंकि गोपियों का शिष्य है उद्धव। भैया जब गोपीन को शिष्य उद्धव बन करके अपने श्राप से बच सके, हम इन ब्रजवासीन के दास बन जाएं तो हम पे लाल जी कृपा नहीं करें? हम इन गोपीन के दास बन जाएं, ब्रज के दास बन जाएं, ब्रज रज के उपासक बन जाएं, लाल जी नित्य कृपा करेंगे। ब्रज की कोई एक वस्तु से प्रेम कर लो बस, प्रेम संसारी नहीं होना चाहिए। कईयों सोचो कि महाराज जी खुली छूट दे रहे हैं, अब तो ब्रज की छोरान ने पटाओ, ब्रज की छोरी नहीं पटाओ, ये सब काम मत करियो भैया, औंधे गिरोगे। प्रेम करवे को मतलब है उनके 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 चरणों के प्रति, उनके भाव के प्रति, वो कैसे भी हैं आप उनके प्रति श्रद्धा रखो। ये ब्रजवासी हैं भैया, ब्रजवासी को देख करके इतने भाव में भर जाओ जैसे मानो साक्षात बिहारी जी सामने आ गए हों। तो सबसे पहले अपने भीतर से तामसता को नष्ट करो, कथा से होगी। दूसरी बात राजस गुण को नष्ट करो, और तीसरा गुण क्या है? सात्विक गुण। कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे दष्टव्यमिति वा पृथक भाव सात्विक। ब्रज की गोपी ब्रज भाव चित्त में आए उसके लिए सात्विक होना भी अनिवार्य नहीं है, सात्विक भी मत बोल। सात्विक का मतलब क्या है? बोले कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्, अपने जीवन में करने वाली हर क्रिया को भी ठाकुर जी को अर्पित करना। हे नाथ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मतलब काम बना रहे, ये इच्छा मन में उत्पन्न हो रही है, और यह इच्छा मन में उत्पन्न हो रही है तो यह भाव भी उत्पन्न हो रहा है, ठाकुर जी बनवाते रहना। इतनी सूक्ष्म भावना भी यदि है तो भी आप ब्रज भाव से दूर ही रहोगे। समझ में आई कि नहीं बात? ठाकुर जी बड़ी कृपा आपकी। क्यों कृपा? मेरी जॉब लग गई, इतने दिन से प्रयास कर रहा, अभी तक आपकी कृपा से लग गई। ऐसी भावना भी ठाकुर जी के प्रति है तो भी आप ब्रज भाव से अलग हो, इतनी कामना भी नहीं, इतनी भावना भी नहीं। तो फिर कैसे रहें? अब तीसरा आता है निर्गुण, जिनके लिए बात ये कही जाए ये हरि को प्रिय हैं निर्गुण। और निर्गुणों का स्वरूप कैसा है? कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम।
सालोक्य शास्त्र साम्य सारूप्य एक तत्म्यतम दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह गुण समझना है तभी कृष्ण लीला में प्रवेश मिलेगा। क्या भक्ति योग के सारे लक्षण हैं उसके अंदर। भक्ति योग मतलब नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इस प्रकार नवदा भक्ति के लक्षण जिसके अंदर विद्यमान है। और ये निर्गुण भक्त कैसा होता है, बोले सालोक्य साष्ट सामिप्य सारूप्य एकत्वम दीयमानम न गृहणन्ति। बोले भैया संसार की विषय वस्तु देना तो बहुत दूर की बात है, इनकी भजन के प्रभाव से इनकी सेवा के प्रभाव से यदि मैं मुक्ति द्वार भी इनके आगे खोल देता हूं तो ये हाथ जोड़ करके मुक्ति को भी मना कर देते हैं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति की कामना नहीं है ठाकुर जी। समझ रहे हो, सोच रहे हो बात को। ठाकुर जी कुछ भी प्रदान कर दें वो तो बहुत दूर की बात, भजन के बल से मिलने वाली मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते, उसको भी अस्वीकृत कर देते हैं। भगवान कह रहे हैं एक नहीं 5 प्रकार की मुक्तियां मैं इनके आगे धर देता हूं। कौन कौन सी, बोले सालोक्य साष्टी सामिप्य सारूप्य और एकत्वम। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, मैं 5 इनके सामने अर्पित कर देता हूं ये, लेकिन दीयमान न ग्रहणन्ति, नहीं स्वीकार करते। सालोक्य मुक्ति कैसी, भगवान का लोक मिल जाएगा, लेकिन ये उसको भी स्वीकार नहीं करते। बोले साष्टी भगवान की सेवा मिल जाएगी, इनको वो भी नहीं चाहिए। तो बोले सामिप्य भगवान के संग रहने का अवसर मिलेगा, इनको वो भी नहीं चाहिए। सारूप्य भगवान जैसा रूप मिल जाएगा वो भी नहीं चाहिए, जैसे जय विजय, जय विजय भगवान जैसे ही है बिल्कुल, थोड़ा अंतर है बस। जैसे ललिता जी श्री राधा रानी जैसी है, थोड़ा अंतर है बस, पर इनको सारूप्य भी नहीं चाहिए। और अंतिम मुक्ति कौन सी, एकत्वम, ठाकुर जी में विलीन हो जाना। बोले दीयमान न गृहणन्ति, इनको वो भी नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या मांगते हैं, बोले कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आप हमारे सदा बने रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए। नाथ ये जितने भी प्रसन्न करने वाले, उत्सुक करने वाले, आनंदित करने वाले भाव जो आप पूरी दुनिया को देते हो, इसमें से हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और एक और बात, ये यह भी नहीं मांगते कि आप हमें मिल जाओ, तो फिर क्या मांगते हैं, बोले बस आप ये स्वीकृति दे दो कि हमको आपने स्वीकार कर लिया, बस हमारी भक्ति हमारे भजन हमारे प्रेम से आप प्रसन्न हो, इस बात की बस एक बार हमको ये बता दो कि आपने हमको स्वीकार कर लिया, बस हम ये सुनकर के जीवन भर कहीं पड़े रहेंगे, लेकिन एक बार बस ये स्वीकृति दे दो कि आपने हमको स्वीकार कर लिया है, हमारे भजन को स्वीकार कर लिया है। मैया भगवान देवोती माता कपिल भगवान कहते हैं इस प्रकार के जो भक्त होते हैं, जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते, केवल एक कामना रखते हैं कि मैं केवल एक बार प्रकट होकर के कह दूं कि हाँ तुम मुझे प्रिय हो, ऐसी भावना रखने वाले ये मुझे बहुत प्रिय हैं। और बोले मैया ने पूछा ऐसा प्रेम किसके चित्त में है, तब भगवान कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां, जिन गोपियों को 11 वर्ष 56 दिन के बाद भगवान ने सैकड़ों वर्षों का वियोग दे दिया, लेकिन उसके बाद भी गोपियां कभी ठाकुर जी से लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, नित्य प्रेम में भाव में रह करके ठाकुर जी को याद करती। ऐसे गोपी भाव में जब आप परिवर्तित होंगे, मैंने बोल तो दिया है आज बहुत ज्यादा गोपी भाव गोपी भाव गोपी भाव, जिसको समझ में आ गया हो अच्छी बात, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, पर जिसके समझ में आ गया हो वो लग जाओ इस भाव में। अगर आपका सर्वधन ब्रजमंडल है, सर्वधन वृंदावन बिहारी लाल हैं, सर्वधन राधा वल्लभ राधा रमण लाल हैं, वृंदावन ही गति वृंदावन ही रति वृंदावन ही सर्वस्व बन चुका है, तो फिर इस भाव में परिवर्तित हो जाओ, कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल आप राजी रहो नाथ। और जब आपको अवसर मिले ना
बस प्रकट होकर के ये आश्वासन दे देना कि आपने हमारे भाव को स्वीकार कर लिया। हमारी गति केवल आप हैं, बस आप दिखो, आप सुनाई दो, आप मिल जाओ, आपका प्रसाद मिल जाए, इसके अतिरिक्त हमें और कोई कामना ही नहीं है नाथ। इस भाव से जो रहे वो गोपी, और ऐसी गोपी को ही वृंदावन भाव में, ब्रज भाव में प्रवेश मिलता है, इसी को निर्गुणता कहते हैं। तो अब परीक्षित जो हैं वो इसी भाव में आ चुके हैं। अब उनको ये भय ही नहीं है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु, 7 दिन बाद मुझे तक्षशिला पर बसेगा, कोई चिंता नहीं। वे तो कह रहे हैं विस्तार से मुझे कृष्ण लीला सुनाओ, कृष्ण लीला में डुबो दो, ना भोजन की इच्छा, ना स्वयं की इच्छा, ना जलपान की इच्छा, बस केवल और केवल कृष्ण श्रवण की इच्छा मन में है, अब मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। और जब ये स्थिति देख लेते हैं तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कृष्ण कथा में लेकर के जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो भैया आज रात रात का समय है सबके पास, कल दिन दिन का समय है थोड़ा बहुत। निश्चित ही अपने चित्त को गोपी भाव में परिवर्तित करो, हाथों में इच्छा प्रकट हो स्पर्श की, नेत्रों में इच्छा प्रकट हो दर्शन की, कानों में इच्छा प्रकट हो श्रवण की, जिह्वा में इच्छा प्रकट हो रसस्वादन पान की, पैरों में इच्छा प्रकट हो नर्तन की, या फिर ठाकुर जी की सुंदर परिक्रमा की। इस प्रकार के भावों में व्यवस्थित होगे, गोपी भाव में आ जाओगे, तब ठाकुर जी प्रकट होंगे कहाँ, चित्त में। तो कल से कृष्ण लीला और भगवान की कलाओं का हम चिंतन करेंगे, कितनी कला पूर्ण है ठाकुर जी, कौन कौन सी कला है, कैसे भाव हैं, उन सबको हम सुनेंगे। आइए बड़े प्रेम और भाव से कथा को विश्राम दें, सप्त निधियों को प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो, और श्याम हृदय तू धीमे
धीमे धीमे नहीं गाना भैया, ने भुजा उठा के भाव से गाओ सब लोग। प्रथम ठाकुर हमारे वृंदावन के श्री गोविंद देव जी, द्वितीय ठाकुर बिहरतन सदन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, कथा ऐसी करते हैं बिना लाइट वाली है? आप लोग लाइट जाती ज्यादा उत्साहित हो जाते हो। हम एक बात कह रहे थे, दौड़ के परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, कहते हैं परिक्रमा खंडित हो जाती है। ऐसी जब कीर्तन चल रहे हो, भजन चल रहे हो और आप गाओ नहीं, केवल अलाप ही लगाओ। एक माता जी सीटी बजा रही बहुत देर से, वो वृंदावन प्यारो वृंदावन नहीं गा रही, सीटी पे बजा बजा के गा रही है। इस ऐसे गाओगे तो भजन खंडित हो जाएगा। अरे स्वर निकालो, मधु पंडित जिन कंठ लगा, 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 और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन।
नगर में हो ने भुजा उठा के पुकारो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी I'm not afraid to die.
बात हम स्पष्ट कर दें, ये भजन इसलिए गाया गया, लिखा गया कि सब गावें, पर कई लोगों ने ऐसा किया, बोले महाराज ये भजन तो हरिराम व्यास जी का लिखा है, ये भजन तो उनका लिखा है, ये भजन तो उन्होंने लिखा है। आज हम खुल के बता रहे हैं, ये भजन हमने लिखा है और हमारे गिरधर लाल जी ने लिखवाया है। पूरा पद श्री हरिराम व्यास जी और श्री भगवत रसिक देव जी ने सप्त निधियों का वर्णन किया, वो वर्णन सुन के लिखा है, इस पर किसी और की छाप नहीं है, ये हमारे गिरधर लाल जी का पद है। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम, आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम। अभी आप सबको एक सूचना दे दें, कल से कथा ठीक 3:30 बजे ही प्रारंभ होगी, आप सब लोग समय से आ जाइएगा। कल से थोड़ी गर्मी हमको पता ज़्यादा है, लेकिन कल से व्यवस्थित हो जाएगा। सब लोग एक डायरी पेन लेकर के आइए, आकर के यहाँ पर पूरे भाव श्रवण कीजिए, लिख करके जाइए। कृष्ण लीला में कल से हम लोग प्रवेश करेंगे, आज भूमिका का भाव था, अब 4 दिनों तक ब्रज भाव की लीलाएं ही रहेंगी। अधिकारी बनकर के आइएगा तो समझ में आवे। सवेरे 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक श्री गिरधर लाल जी के दर्शन की भी व्यवस्था है, आप सब लोग आ सकते हैं और हम भी मिलेंगे, पर यही समय रहेगा 11:30 से 12:30। इसके बाद आएंगे तो फिर संभव नहीं हो पाएगा, इसी समय पर ही आइएगा। तीसरी बात,
प्यारे श्री गिरधर लाल जी का इस बार जन्मोत्सव नाथ द्वार में होने वाला है 11 से 17 जनवरी 2025। अब उसमें देखो हम थोड़े पक्षपाती हुए हैं, हमने उसमें ऐसा किया है कि लोग बाग जो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, नामांकन करा रहे हैं, वहाँ सब रहने की व्यवस्था, भोजन पानी की सबकी होगी भक्ति पथ की तरफ से। पर इन 5 दिनों की कथा के बाद एक सोशल मीडिया पर एक एग्ज़ाम होगा भक्ति पथ का, और उस एग्ज़ाम को कैसे होगा क्या होगा वो सब बाद में बताया जाएगा। पर उस एग्जाम में, उस टेस्ट में इन 5 दिनों की कथा से संबंधी प्रश्न आएंगे, उनके जो बालक उत्तर देंगे, ऐसे 15 बालक जो प्रथम 15 बालक होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ बुलाया जाएगा। वो बिल्कुल अच्छा। अब बालक बाल इसमें देखो, अब यही ये पक्षपात हुआ कि बड़े बड़ों के लिए नहीं है, ये केवल बच्चों के लिए है, केवल 15 वर्ष से लेकर के और 25 50 कौन बोला 15 वर्ष से लेकर के और 30 वर्ष तक के जो युवा हैं वही इसमें आ सकते हैं। अगर बहुत छोटे जैसे 15-16 वर्ष के बालक हैं तो उन लोगों के माता पिता को भी वहाँ पर फ्री में बुलाया जाएगा, वो आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, माता पिता से को पैसा लगा मैं 15 वर्ष से लेकर के और करीब 30 वर्ष तक के बालकों के लिए ये रखा गया है। उसमें से 15 बालक ही चुने जाएंगे, चाहे 500 एग्जाम दें, जिनके उत्तर सटीक, और वो पूरे अभी उसका एग्जाम पे हम ही बनाएंगे, टीचर तो हम ही हैं। तो इस दिन, इसलिए 5 दिन की कथा बड़े ध्यान से सुनना, माता पिता अपने बालकों की सहायता कर सकते हैं उसमें, होगा वो सोशल मीडिया पे, कैसे होगा क्या होगा ये सब बताया जाएगा अंतिम दिन। तो ये सहभाग में इसमें 15 बच्चे चुने जाएंगे और उन 15 बच्चों को वहाँ पर वॉलंटियर करना है, वहाँ सेवा देंगे उनको, किसी को मंच की सेवा, किसी को संतों की सेवा, किसी को यजमानों की सेवा, किसी को श्रीनाथ जी की सेवा, लाल जी की सेवा, ऐसी सेवा इन 15 बच्चों को मिलेगी, किसी को रसोई की सेवा। तो जो इच्छुक हैं, जो वहाँ पे जो है आनंद कर, मैया अभी सेल्फी मत लो, कथा चल रही है मैया, नहीं रुक जाओ, क्या बता रहा था मैं, हाँ वहाँ ये आनंद करने बच्चे वही सहभाग लें जो सेवा करना जानते हैं या सेवा करना चाहते हैं, सेवा भावी लोग हमें। तो इसलिए 5 दिन की कथा बड़े ध्यान से सुननी है, इसमें कब कहाँ क्या विषय बताया जा रहा है उनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, सब लोग करिए, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। कल 3:30 बजे से कथा होगी, सब लोग समय पर आइए। सबको जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे।